नमस्ते दोस्तों, मैं मोहन मोबाइल स्पेस नागपुर से आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छी डिवाइस यहाँ पे लेके आता हूँ। देख सकते दोस्तों, यहाँ पे ये आप जो चीज़ देख रहे हैं ये है अल्ट्रासोनिक पीसीबी क्लीनर। अल्ट्रासोनिक पीसीबी क्लीनर की आपको मैं फंक्शनिंग बताना चाहूँगा क्या होती है। जो वाटर डैमेज फोन होते हैं आपके, लिक्विड लॉक हैंडसेट्स होते हैं, तो उनके मदरबोर्ड जो होती है जो काफ़ी एक्सट्रीम डैमेज होती है, जिनमें आईसी के नीचे या कोई कंपोनेंट्स के नीचे भी अगर पानी रहता है तो आप उसको इजीली इस पीसीबी क्लीनर की मदद से पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं आसानी से, बिना किसी ब्रश से साफ करने के बजाय। और काफ़ी ये टाइम सेविंग और इफिशियंट मेथड है और एकदम प्रोफेशनल मेथड है काम करने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास में एक वाटर लॉक पीसीबी है, इसे काफ़ी सारे कंपोनेंट जो है वो लिक्विड लॉक से डैमेज है। मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाना चाहूँगा, देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे ये अफेक्टेड एरिया है अपने वाटर डैमेज से, जो पूरा ब्लैक हो चुका है, डार्क हो चुका है। मैं आपको थोड़े से और क्लीन करता हूँ, जूम करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है, मैं इस अल्ट्रासोनिक मशीन के हेल्प से क्लीन पूरे करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों देख पा रहे कितना ये गंदा है बोर्ड। चलिए मैं आपको इसका यूज ऑफ डायरेक्शन बता दूँ। ये जो इसका कवर है इसे मैं निकाल देता हूँ, और इसके अंदर मेरे को दो चैनल से दो मोड है। यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, 30 वाट एक मोड यहाँ पे दिख रहा है आपको, और एक 50 वाट मोड यहाँ पे दिख रहा है। इसका हाईएस्ट टाइम यूज टाइमिंग है 1 मिनट। 1 मिनट तक के आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और जरूरत है क्लीन करने के लिए इसे, तो आप इसे और ज्यादा एक और टाइम के लिए इसको वापस ऐड करके कर सकते हैं। ये आपको लिक्विड ऐसा आएगा मार्केट में, कोई परचेस करना पड़ेगा इसके साथ में यूज़ करने के लिए। ये रिलाइफ में भी आएगा, मैकेनिक में भी आएगा, हमारे स्टोर्स पे अवेलेबल है नागपुर मोबाइल स्पेस नागपुर में। देख पा रहे दोस्तों, मैं अभी जैसे मेरा ये पीसीबी मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है, अभी मैं ये पीसीबी जो है पूरे तरीके से इसके अंदर डिजोल्व होने को ना, इतना ही मैं इसके अंदर लिक्विड डालूंगा। देख पा रहे ये पूरे तरीके से पीसीबी इसके अंदर में डिजोल्व हो गया है। अब जो है मैं इसे ग्लास अपने जो ये है कवर, इससे कवर कर दूंगा। और अभी मैं इसे 30 सेकंड के लिए जो है सिर्फ ये करता हूँ, ये 30 वाट पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ सपोज, तो इसको मैं 30 सेकंड के लिए कर देता हूँ। चलिए फिर 25 सेकंड के लिए करता हूँ आपको एक डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, और इसको पावर ऑन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जो है ये पूरा क्लीन कर रहा है। इसको ओपन नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ कैसे फंक्शनिंग कर रहा है इसके अंदर में। एक और चीज, जब भी आप अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज करते हैं तो इसका जो कवर है वो क्लीन, वो कवर रहने को ना, तभी इसका प्रॉपर वर्क जो है होगा। क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स रहती है जिसकी मदद से आपका जो लिक्विड लॉक सरफेस है जो उसको क्लियर करता है, तो ये कंप्लीट लॉक होने के बाद ही काम करेगा। बट मैं आपको एक्शन दिखाना चाहता था कैसे वो करता है, इसकी वजह से मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसकी जो पीसीबी है ये क्लीन हो चुकी है 1 मिनट के लिए। देख सकते हैं कितने जो डस्ट पार्टिकल्स है यहाँ पे, इसके जो इसमें थे लग के हार्ड डस्ट पार्टिकल्स भी निकल चुके। देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरे जो पार्टिकल्स यहाँ पे, कार्बन पार्टिकल्स भी जो है पूरा ये लिक्विड में डाइल्यूट हो गए। पीसीबी को मैंने बाहर निकल लिया हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो सरफेस है, जो आपको मैंने इसमें इंसर्ट करने के बाद देखा था। देख पा रहे दोस्तों कितनी सही तरीके से इसकी सफाई हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए पूरा सरफेस एकदम क्लियर हो चुका है। देख पा रहे पूरे कंपोनेंट जो है यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। अभी देखिए लिक्विड लॉक का आपको कहीं भी हल्का भी आपको निशान यहाँ पे मिलेगा नहीं। देख पा रहे ये जो मैं थोड़ा सा इसको दस तरह देखिए, आप यहाँ पे हल्की भी रस्ट आपको दिखेंगे नहीं। यहाँ पे देख पा रहे कितना क्लियरली जो है, ये सब लिक्विड लॉक थे, लिक्विड से डैमेज कंपोनेंट्स थे। देख पा रहे बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसका एक बेनिफिट ये है ना कि जो आपकी आईसीज रहती है वो आईसीज के नीचे जाके इसको साफ कर लेता है। देखिए यहाँ पे भी जो बॉल से भी पूरा लिक्विड से अफेक्टेड सरफेस था, ये भी सरफेस पूरा यहाँ पे अच्छी तरीके साफ हो चुका है। कनेक्टर वगैरह जो थे हमारे छोटे मोटे, देखिए ये जो कनेक्टर देख पा रहे दोस्तों, इस कनेक्टर को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये देखिए इसके जो पॉइंट्स है पूरे शाइन हो रहे हैं। इस तरीके से जो है आप इस अल्ट्रासोनिक डिवाइस की हेल्प से पीसीबी को अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, और काम को काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे और अच्छे तरीके से बिना किसी हैसल फ्री जो है आप काम कर सकते हैं। हैसल फ्री जो बोलते हैं उसे, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारे आईसीज है, इस आईसीज के नीचे में जाके, इसके नीचे में कुछ पानी रहता है वो भी पूरा क्लियर क्लियर हो जाता है।
जिसके लिए हम काफी बार आईसी रिकॉल करने की जरूरत होती है। तो फर्स्ट स्टेप, अगर ज्यादा ही एक्सट्रीम डैमेज आपका पीसीबी होता है तो उस पीसीबी को आप अल्ट्रासोनिक में क्लीन कर लीजिए और इसे थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख दीजिए कि ताकि उसके बाद आप रिजल्ट देखिए कि उस पर काम होता है नहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है कि आपको आईसी रिकॉल करना है या नहीं करना है, वो देख के कि आपका सर्फेस जो है उतने तरीके से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। पूरे कनेक्टर वगैरह जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितने सही तरीके से साफ हो चुका है। देखिए आप यहाँ पर कुछ रेसिड्यू दिख रहा होगा, ये देख पा रहे दोस्तों, देखिए ये पूरा रेसिड्यू यहाँ पे क्लियर हो चुका है जो लिक्विड से डैमेज हो चुका था। मैं इसे हल्की ब्रश से जो है क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। ये जो हमारी ब्रश है मैं इसकी हेल्प से, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों पूरी क्लियर हो चुकी है। देखिए तो जो हार्ड रेसिड्यू था जो इसके ऊपर बैठा हुआ था, इसके कंपोनेंट्स के सारे जो इस पे पॉइंट्स पे, वो पूरा क्लियर हो चुका है, देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये इरोड हो चुकी थी किसी भी अपनी, किसी भी ने इरोड करना शुरू कर देना लिक्विड ड्रॉप की वजह से। देखिए दोस्तों ये देखिए इरोड हो रही है, ये भी इरोड हो गई नहीं अभी। तो इस तरीके से आप पूरी पीसीबी को रिकॉप कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको हमारे स्टोर मोबाइल स्पेस नागपुर में अवेलेबल मिलेगा और आप दोनों चैनल पे इसके यूज कर सकते हैं। 30 वाट पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं और 50 वाट पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में आपको एक लिक्विड जो आता है ऐसा, वो आपको परचेस करना पड़ेगा। ये रिलाइफ और मैकेनिक दोनों ब्रांड में आपको हमारे स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। और इसी तरह नए नए प्रोडक्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइज़।